हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। मैं हूँ स्वाति एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि MNIT जयपुर यानी कि मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में जो नई ओपनिंग्स निकली है वो किस बारे में है। तो बहुत ही ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशनड है डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग PhD प्रोग्राम्स। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स PhD प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनकी लिस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ओपनिंग्स PhD के लिए, तो अगर आप MNIT जयपुर से PhD करना चाहते हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो द डिपार्टमेंट्स आर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, मटेरियल रिसर्च सेंटर, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन जो हैज़ टू बी फिल्ड ऑनलाइन, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फिलअप करना है। स्टार्टिंग डेट उसकी 17th में है, लास्ट डेट 6th ऑफ जून है। सो प्लीज नोट, 6th जून शाम को 5 बजे आपको अप्लाई कर देना है उससे पहले तक। तो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट बाय 10th ऑफ जून। तो आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो 10 जून को डिस्प्ले होगी। डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू 4th टू 6th ऑफ जुलाई, फाइनल रिजल्ट 18th जुलाई। प्लीज नोट दिस। नेक्स्ट देखिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो लिखा हुआ है द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट में, विद CGPA नॉट बिलो देन 6.5 ऑन ए 10 पॉइंटर स्केल और 60% मार्क्स, यानी कि मार्क्स जो है उसमें 60% से लेस नहीं होनी चाहिए और पॉइंटर जो है वो 6.5 से कम नहीं। नेक्स्ट देखिए द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर प्लानिंग विद CGPA नॉट बिलो 6.5 और नॉट बिलो 60% मार्क्स, इन एक्सेप्शनल केसेस ब्रिलियंट कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम CFTI एंड अदर इंस्टीट्यूट हूज NIRF रैंकिंग इज अप टू 100 विद CGPA मोर देन 8 इन आर्किटेक्चर प्लानिंग इंजीनियरिंग मे बी रिकमेंडेड बाय डी ओके फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम, यानी कि अगर आप CFTI से या अलग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड है और आपका NIRF रैंकिंग 100 के बिलो है विद CGPA मोर देन 8 तो आपको रिकमेंड किया जा सकता है PhD प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गेट स्कोर विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। आपका जो गेट स्कोर है वो मैंडेटरी हो जाता है अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस में PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.mnit.ac.in पर जाना है और वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर फर्दर डिटेल्स आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। द एड्रेस इज ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KLN मांग जयपुर ओके, एंड ईमेल आप कर सकते हैं admissions@mnit.ac.in पर, webmaster@mnit.ac.in पर फॉर टेक्निकल इशू। फोन नंबर मेंशनड है सो यू कैन कॉल ऑल्सो, द नंबर इज 01412715038 ओके। तो ये थी सारी डिटेल्स, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज लास्ट डेट से पहले अप्लाई कीजिए ओके, विच इज 6th ऑफ जून। वेरी गुड डे, थैंक यू।